हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी इवेंचर्स। मेरा लास्ट ब्लॉग में आप लोग को बताया था, मैं अपना स्टूडेंट लोग को तीनजान लेके जा रहा हूँ फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए। तो अभी हम पासीघाट में रुका हुआ है, तो अभी आप लोग को दिखा देता हूँ ये पासीघाट सिटी कैसा है। अभी ज़बरदस्त बारिश हो रहा है, तो हम लोग छाता लेके घूम रहे हैं। तो अभी मेरे साथ मेरा दो स्टूडेंट है, ये लोग पासीघाट को नहीं देखा था तो थोड़ा उन लोग को घुमा रहा हूँ। तो ये है मेन मार्केट एरिया, जबरदस्त बारिश हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली हम लोग एटीएम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक खुला ही नहीं, अभी बिल्कुल कैश नहीं है हाथ में। तुम दोनों कैसा लग रहा है पासीघाट आके? ऐसा देख देख के चलो। हाँ, गाइस अगर आप लोग मेरा वीडियोस देखते हो तो आप लोग को पता चलेगा हम जहाँ पे रहते तुटिंग, तो बहुत ही रिमोट एरिया है, एकदम फारदेस्ट कॉर्नर है। उधर से तिब्बत बॉर्डर तक ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस वजह से बच्चों के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग है ये पासीघाट सिटी, क्योंकि उधर तुटिंग में तो एक छोटा सा मतलब टाउन है और इतना ट्रैफिक उन्होंने कभी नहीं देखा है। हाँ, बहुत बड़ा है नीचे, ये कुछ नहीं है। हाँ, उधर से ही तुम लोग को शॉपिंग कराएगा। किसको बुला रहे हैं गैस? हमारा जो होटल है जहाँ पे हम लोग रुका हुआ है, इधर ही है होटल सियांग नाम से, जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो पीछे में, और इस तरफ में ढेर सारा होटल्स है, उसके पीछे ही उधर पाइंग रेजेंसी है। चलो, और ये है पासीघाट का ऑटो स्टैंड, इस तरफ है जो ये जो रास्ता अंदर जा रहा है उधर डेली मार्केट है। अभी हम जा रहे हैं स्टेट बैंक की तरफ, उधर पे एटीएम है। तो एक्चुअली ये था पहले का सुमो स्टैंड, अभी इसको शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत ही कम है, तो अभी दूर हो गया ये टाउन से। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है अभी का नया सुमो स्टैंड। ये है बीजेपी ऑफिस, तो गाइस यहाँ पे एक एटीएम है, चलिए देखते हैं इधर कैश है कि नहीं। आओ, एटीएम जाएगा, खुला है कि नहीं? यो खुला है, पता नहीं पैसा है कि नहीं, चलिए देखता हूँ। तुम दोनों पहले एटीएम देखा है? चलो कैसे यूज़ करते हैं दिखाता हूँ। आओ, पहले कार्ड को डाल दिया ना, उसके बाद ये देखिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। अभी इंग्लिश, अभी मैं फास्ट कैश दबाता हूँ तो मुझे कितना चाहिए, 10,000 निकाल लेता हूँ। और अभी नंबर डायल करना पड़ता है कोई सा भी, बस इसको फॉलो करते जाओ। अभी पिन डालना है, पिन को तो नहीं दिखाऊँगा। कम ऑन, अभी यहाँ से पैसा निकलेगा। गाइस पैसा निकाल लिया, अभी हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, और बारिश और तेज़ हो रहा है। तो कैसा लगा फर्स्ट टाइम एटीएम से पैसा निकाल के? फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना? हाँ,
इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, रुको रुको रुको, उधर आगे ले, आगे पीछे साइड दोनों तरफ। हाँ अभी हम लोग दिल्ली मार्केट की तरफ जा रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस तरफ में कपड़ा दुकान है, ये सब कॉस्मेटिक्स का लाइन है, क्रीम वगैरह मिलता है। क्या टी शर्ट अलग अलग दाम होता है क्वालिटी के हिसाब से। गाइस पासीघाट को एक स्मार्ट सिटी के लिए लीज किया गया था तो, लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत ही मतलब पुअर है रोड कंडीशन। सिर्फ हाईवे ठीक है, बाकी आप जितना भी गली जाओगे टूटा फूटा रास्ता ही मिलेगा यहाँ में। देखिए यहाँ पे सब्जी मंडी है, ये सब्जी मार्केट है, और यहाँ पे बेकारी भी है, सियांग बेकारी। कुछ खाएगा क्या? गन हाउस, ओ माय गॉड, यहाँ पे बंदूक मिलता है लाइसेंस में। हम लोग अभी डिब्रूगढ़ जाएंगे ना, उसको देखना कितना बड़ा है इसके कंपेयर में। हाँ इसका ना, इसका ट्रिपल होगा, पासीघाट का ट्रिपल से भी ज़्यादा होगा इतना। यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ओमान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऊपर होटल भी है। यहाँ पे भी सब्जी मंडी है और फ्रूट्स का वेंडर भी। ये रास्ता को अभी बंद करके रखा है, शायद अंदर कंस्ट्रक्शन होगा। आगे चलो आगे। तो गाइस यहाँ से पासीघाट से डिब्रूगढ़ तक हमें 3 घंटा लगेगा, और उसके आगे है दिनजान डिब्रूगढ़ से, जो कि 27 किलोमीटर्स है, तो हार्डली आधा घंटा लगेगा होगा। तो अभी तो बारिश ही हो रहा है, और हमारा जो टूर्नामेंट है, खेल है, वो कल से शुरू हो रहा है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ऊपर से ये मॉनसून सीजन है, तो लगता है हमें बारिश में ही खेलना पड़ेगा। अभी हम काफ़ी दूर आ गए हमारा होटल से, तो इधर से हम घूम जाएंगे। उधर आगे में एक पार्क है, चिल्ड्रेंस पार्क, कुछ बच्चे तैयार हो गया स्कूल के लिए। यहाँ पे बराबर अपॉइंटमेंट्स है। पासीघाट काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन बस रास्ता ख़राब है यहाँ, गली गली लो एकदम टूटा फूटा है। ये वाला थोड़ा ठीक है। हाँ वापस हम हाईवे तक आ गए। अभी हम आ गए अपना होटल का गली में। कहाँ जा रहे है पूछो? कहाँ जा रहे?
तो ये रहा गाइस हमारा होटल। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे डिब्रूगढ़ के लिए। तो ये रहा बाकी स्टूडेंट्स। भूख लग रहा है क्या? हाँ भूख लग रहा है। ठीक है अभी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया होगा। ब्रेकफास्ट के लिए बोला था रेडी हुआ है क्या? यहाँ नीचे में तीन रूम लिया है, इधर बच्चे लोग हैं एक रूम में। हाँ एक रूम में चार चार रह रहे हैं। ओ मिल गया ना। तो ये रहा पूरी आ गया। इसी में सबको दे दिया है क्या? अभी हमारे सारे बच्चे यहाँ पे आ गए एक रूम में और अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में हमें पूरी मिला है ना, सब्जी ठीक है। ओके अच्छा से खाओ और उसके बाद सब लोग पैक कर लिया ना सामान, पूरा निकलेगा। हाँ और गैस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे और ये ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करना चाह रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो गया। आई होप यू एंजॉय वॉचिंग इट। और गैस मेरा चैनल को भी आप लोग विजिट कीजिए और अगर आप लोग को मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है कि नहीं? ठीक है मिलते हैं अगले ब्लॉग में।